केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। तो इस संसद में मानसून सत्र से एक दिन पहले यानी कि 19 जुलाई को आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के साथ चर्चा की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार संसद के मानसून सत्र की पूर्व शाम पर दोनों सदनों के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुधवार को 3 बजे संसदीय ग्रंथालय भवन में बुलाई गई है। संसद के सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा रही है, जिसमें विभिन्न दल अपने मुद्दों को रखते हैं। इस बैठक में सरकार के वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं। ऐसे कई बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया है। तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा मंगलवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को टाल दिया गया, क्योंकि कई दलों के नेता उपलब्ध नहीं थे। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को होगी। सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुमका ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।